चलो जी शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टर्म जो है बिल्कुल नई नई टर्म है तुम लोगों के लिए, पहली बार सुनी होगी है ना। तो सुना है पहले जिंदगी में कभी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, फ्लक्स सुना है सर। फ्लक्स सुना है। फ्लक्स और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब लोगों ने हाँ हाँ किसमें सुना था मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म में जब वो ट्रांसफार्मर किया होगा ना, उसमें सुना होगा। यस। चलो चलो जी, हम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, एरिया के बारे में चर्चा करेंगे। एरिया के बारे में तुम लोगों को 11th क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि एरिया इज अ डैश क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। लगता है रे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एरिया भी वेक्टर हो जाता है। पहले बचपन में एरिया स्केलर होता है, बाद में वेक्टर हो जाता बचपन है। में सर ना स्केलर पता रहता है ना वेक्टर। ठीक है, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे क्या होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलो चर्चा एरिया वेक्टर से शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन, देखो मैग्नीट्यूड तो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल का एरिया एल इन टू बी, पाई आर स्क्वायर एंड ऑल, सबके मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन इसका इसका डायरेक्शन क्या होती है वो देखनी है हमें, है ना। वो चीज नहीं है हमारे लिए, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे आज, उसके बारे में सीखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती क्या है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर जो है फिजिक्स में हम दो तरह की बॉडीज के लिए सीखेंगे। एक तो वो बॉडीज हैं जो 2D बॉडीज है, मतलब जो विच आर ओपन बॉडीज, ठीक है, उनके लिए क्या होती है, और एक क्लोज्ड बॉडीज हैं जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, दीज आर क्लोज्ड बॉडीज, इनके लिए एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, क्या कन्वेंशन है डायरेक्शन की, वो सीखेंगे। और ओपन सर्फेसिस के लिए, जैसे ओपन सर्फेस मतलब जैसे एक प्लेट है, एक ट्राइंगल है, सर्कल है, इनके लिए क्या है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, वो पता करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा आप लोग, तुम लोगों को लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम दो बॉडीज करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हम करेंगे ओपन बॉडीज के लिए, या ओपन सर्फेसिस बोलते हैं, या 2D सर्फेसिस बोलते हैं, कुछ भी बोल लो उसको, ठीक है, और फिर क्लोज सर्फेसिस के लिए। इसमें फर्स्ट हम करेंगे फॉर ओपन बॉडीज या ओपन सर्फेसिस और 2D सर्फेसिस, इनके लिए क्या है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई एंड जी, जेड एक्सिस, ठीक है, एंड आई हैव एन एरिया अ स्क्वायर यहाँ पे जिसकी दोनों साइड्स ए है। तो इसकी जो एरिया, इस स्क्वायर का जो सरफेस है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? XY प्लेन में इसका सरफेस लाई कर रहा है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस जो है वो डायरेक्शन कौन सी होगी? Z. Yes, along the z-axis. अब वो z plus भी हो सकती है और z minus भी हो सकती है, minus z में भी जा सकता है, plus z में भी जा सकता है, और दोनों ही करेक्ट है फिजिक्स की लैंग्वेज में।
प्लस जेड भी सही है माइनस जेड भी सही है, मतलब दोनों तरफ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस लाइन जो है वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ ही बना सकते हैं हम। तो एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ भी बना सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट एक्चुअली, चाहे तो इस तरफ बना लो से बनाया, ये डायरेक्शन है ना बिल्कुल जी, ये जो ग्रीन से बनाया ना वो, हाँ जी हाँ जी हाँ वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन चाहे मैंने दिख रही है, वो इमेजिन कर पा रहे हो, एक जेड की तरफ जा रही है दूसरी माइनस जेड की तरफ जा रही है, हाँ कि ना? यस सर, यस, ठीक है सर। तो इसमें जो पॉइंट्स हम लिखेंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ दी प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ दी प्लेन, एंड परपेंडिकुलर जो है वो दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं, चाहे सरफेस के लेफ्ट साइड एक साइड में, चाहे दोनों दूसरी साइड में, ठीक है। एरिया वेक्टर कैन बी ऑन ईदर साइड ऑफ द सरफेस, दोनों में से कोई आपको गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है, देखो दोनों गलत नहीं है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दोनों गलत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ ले लेते होते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया, मन किया तो पॉजिटिव की तरफ ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। वैसे दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट टेक एरिया वेक्टर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, अदरवाइज करेक्ट दोनों हैं। ठीक है, नोट हो गया ये? यस, ठीक है। तो जैसे इसमें हमें एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे इसमें एरिया वेक्टर को, क्या क्या हो जाएगा, एरिया एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, एरिया का ए स्क्वायर, यस इट विल बी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आगे वेक्टर कौन सा लगेगा, यूनिट वेक्टर के कैप, विल बी के कैप, यस। एग्जांपल इन द अबव फिगर area vector is a square k cap or a square मतलब minus k cap, कुछ भी ले सकते हैं, both are correct, by default k cap ले लेते हैं, otherwise दोनों ले सकते हैं, दोनों कोई गलत नहीं कर सकता, you can challenge anyone, both are correct, ठीक है जी। ये तो हो गया इसका 2D surfaces का, इसको 2D surface बोलते हैं, open surface बोलते हैं, open इसलिए क्योंकि ये closed नहीं है ना, it is an open surface, खुली है ये तो, open body, open surface है, ठीक है। अब दूसरी जो हम चर्चा करेंगे वो है closed bodies के लिए, closed body जैसे जो बंद bodies हैं, जैसे कमरा मतलब cube हो गया, sphere हो गया, they are closed bodies, उनके लिए क्या convention है। तो second point बना लेते हैं, for closed bodies or 3D bodies, उसको closed bodies बोल दो या 3D bodies बोल दो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा,
अब इसमें कन्वेंशन है कि हमें एरिया वेक्टर जो है हमेशा आउटवर्ड लेना है, ये कन्वेंशन है, ठीक है। एरिया वेक्टर इज टेकन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर को पॉजिटिव हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मानते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास एक क्यूब है या एक स्फीयर है, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो हम आउटवर्ड लेंगे इस तरफ, मतलब ऐसे, दिस इज पॉजिटिव एरिया वेक्टर। हर पॉइंट का एरिया वेक्टर अगर हमें बनाना है तो आउटवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर मैं क्यूब बना रहा हूं तो इस सरफेस देखो, अगर तो ये अकेली सरफेस होती जो ये मैंने शेड की है, फिर तो एरिया वेक्टर या तो राइट में बनता या फिर लेफ्ट में बनता। लेकिन क्योंकि ये बंद डब्बा है, इट इज अ क्लोज्ड बॉडी, तो इसका एरिया वेक्टर हम सिर्फ किधर बना सकते हैं, आउटवर्ड्स राइट में। तो पॉजिटिव एरिया वेक्टर जो हम लेंगे, जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, दैट विल बी आउटवर्ड। तो इसका इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा राइट में, ठीक है। ऊपर वाले का, जैसे अगर ऊपर वाली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर विल बी अपवर्ड, ठीक है। ऐसे ही हर एक सरफेस का हम बना सकते हैं एरिया वेक्टर। नीचे वाली सरफेस का हो जाएगा डाउनवर्ड, तो ये एरिया वेक्टर्स लेने हैं हमें। Noted? अबे हाँ कि ना कुछ। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है जी, चलो एरिया वेक्टर के बारे में हमने सीख लिया। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चलो वही चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया कि डायरेक्शन एरिया वेक्टर की कैसे लेनी है, ओपन सर्विसेज की कैसे लेनी है, क्लोज्ड सर्विसेज की कैसे लेनी है, और उसको बाद में कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी नो दैट, राइट। अब इसकी जरूरत क्या है एरिया वेक्टर की, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उस पर आते हैं, वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, हेडिंग बना ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बेसिकली क्या चीज बताती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें ये बताती है कि भाई अगर किसी रीजन में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन है उसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बनाना मत, पहले समझा रहा हूं मैं, उसमें हम किसी एरिया को लेके आते हैं, किसी सरफेस को लेके आते हैं। मैं इसमें यहाँ पे एक सरफेस ले आया, तो इस सरफेस में से कितनी लाइन्स परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं, इसको पास कर रही हैं, वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कितनी यहाँ पे लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, ठीक है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन था मैग्नेटिक फ्लक्स का, राइट, जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह में पढ़ते हैं, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में से निकल रहा है, राइट, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक एरिया में से परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे ये जरूरी है कि जो हम लाइंस की बात कर रहे हैं, दे शुड बी क्रॉसिंग दैट एरिया, दे शुड नॉट बी ग्रेजिंग दैट एरिया। जैसे सपोज दे शुड नॉट बी, यू नो,
क्रॉस करना जरूरी है, दे शुड नॉट जस्ट ग्रेज इट. मतलब अगर सपोज मैं एक एरिया ये ले लूं, लिटा हुआ एरिया ये, ठीक है, इस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इमेजिन हो पा रहा है? तो इस एरिया में से, इस सरफेस में से, इस रेक्टेंगल में से कितनी लाइंस जो है इसको क्रॉस करके निकल रही हैं? कोई आर पार जीरो जीरो इट इज जीरो जैस्मीन इट इज जीरो. इसको आर पार नहीं जा रही इसके, है ना, वो तो इसके साथ निकल गई बस, यू नो लाइक इट्स लाइक के लेट मी एक मिनट बताता हूँ. जैसे सपोज मेरी वीडियो दिख रही है? यस सर. या नहीं दिख रही? दिख रही है सर. कमरे में मास्क लगा के बैठा हूँ मैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सपोज ये एरिया है, तो इस एरिया जो मैंने लाइन बनाई अभी फोटो उसपे बनाई है, उसमें से लाइंस ऐसे जा रही है ऊपर से, बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं कर रही कोई लाइन, ऐसे निकल गई ऊपर से, नीचे से निकल गई, ऊपर से निकल गई बस. लेकिन इसको कोई इसको ऐसे बीच में से निकल के नहीं गई, ऐसे नहीं है, दे आर जस्ट ग्रेजिंग दिस एरिया. तो दैट मींस अगर कोई लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जा रही, अगर कोई लाइन इसको क्रॉस करके नहीं जा रही, दैट मींस इसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास कितनी कर रही है? जीरो. तो अगर नंबर ऑफ लाइंस ही नहीं पास कर रही तो फ्लक्स भी कितनी होगी? जीरो. नंबर ऑफ लाइंस पास करना जरूरी है, ठीक है. तो अगर लाइन ऐसे जा रही है, सपोज एक लाइन जा रही है तो फ्लक्स हम वन बोल दिया, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आएगा. नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेंगी वो जरूरी, पास करना जरूरी है फ्लक्स में से, फ्लक्स का मतलब वो होता है, ठीक है. बात समझ में आ गई? फील आ रही है? तो ये लिख लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स दी total number of electric lines of force crossing that surface in the direction perpendicular to that surface. ठीक है, तो अब perpendicular का बीच में पंगा आ गया कि direction जो है वो perpendicular to the surface होनी चाहिए. ठीक है, हमने इतना तो देख लिया कि अगर वो graze कर रही है surface को फिर तो zero है, है ना, और अगर 90 degree पे है बिल्कुल फिर पूरी की पूरी है. लेकिन अगर किसी angle पे है तो क्या करेंगे? सपोज मान लो मेरे पास एक सरफेस है जो ऐसी एक सरफेस है, लेटी हुई सरफेस हमने मान ली. अब ये फोटो मत बनाना, डेफिनेशन लिख लो, है ना, तो फोटो में बाद में बनवाता हूँ दोबारा. चलो बना ही लेते हैं, ढंग से ही बना लेते हैं. मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है जिसका कुछ ये एरिया, दिस इज द एरिया शेडेड पोर्शन, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर नहीं है,
वो किसी एंगल पे है, ये ठीक है, ऐसे क्रॉस कर रहा है इस एरिया को, इस एरिया को मैंने इसी हिसाब से प्लेस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो क्या करूंगा मैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, E cos theta. बिल्कुल सही बात है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया E cos theta। और एरिया वेक्टर किधर को है, एरिया वेक्टर किधर, हाँ जी उसी साइड ऊपर, उसी साइड है, हाँ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड अभी निकालने जा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला बनने जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है वो है ई कॉस थीटा, ठीक है, और एरिया वेक्टर है उसकी परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेंट पे, और एरिया कितना है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन उसको क्रॉस कर पाएंगी, हाँ कि ना, ठीक है। तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सिंबल होता है, सिंबल ही लिख लेते हैं, आप पूरा का लिखेंगे फाइ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है फाइ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक तो ई कॉस थीटा, एंड फाइ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया, दोनों पे डिपेंड करता है, देयरफॉर फाइ जो है वो आ जाता है ई कॉस थीटा इनटू ए। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, ई ए कॉस थीटा, ये किसी चीज का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब ए बी कॉस थीटा कुछ होता है, डॉट प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, therefore जो phi होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा that will be dot product of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्यों आया उसकी भी हमें उसका भी लॉजिक मिल गया, क्यों आया, क्योंकि हमने उसका कंपोनेंट देखा था, e cos थीटा आया था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना था, ठीक है। तो अब इन जनरल एक और फॉर्मूला लिखेंगे, इन जनरल अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, यहां पे तो हमने चलो खैर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो इन जनरल सो हमने कांस्टेंट नहीं लिया यहाँ पे, कोई मतलब कांस्टेंट हटाया तो नहीं, वो वन ही है, ओके सर। इन जनरल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, जब वेरिएबल चीजें आ जाती हैं तब हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यस इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लक्स आ जाएगी टोटल वो हो जाएगी फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, दिस इज इन जनरल फॉर्मूला। अच्छा कुछ बुक्स ना बाय चांस आप किसी जैसे किसी कहीं पे पढ़ रहे हो वहां पे एरिया का सिंबल कहीं कहीं पे एस भी यूज किया जाता है, कहीं पे ए भी यूज किया जाता है, तो एस मतलब घबरा मत जाना कि एस ले लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है एस, तो नहीं, वो एरिया का सिंबल एस भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, चाहे ए यूज कर लो चाहे एस यूज कर लो, आप लोग भी कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका यूनिट बताओ जरा, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम,
करेक्ट, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, देखो अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर आ गया। स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर 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 क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन निकाल लो जरा इसकी, फॉर्मूला यूज करके निकाल लो। याद नहीं रखनी किसी की भी डायमेंशन, जिसकी बोला हुआ है बस उसकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे पुट्ठे सीधे वेरिएबल्स की इनकी डायमेंशन याद नहीं रखनी, पगला जाओगे सर। बोलो बोल दो। m l cube t minus 3 a minus 1 a minus 1 राइट। इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं हम। फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या है, e into एरिया वेक्टर है, e को हम लिख सकते हैं लेट्स से चलो फोर्स अपॉन q लिख लो into a, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है इट इज ml t minus 2 अपॉन a इज ना अपना q इज a into t और एरिया जो है दैट इज l स्क्वायर l स्क्वायर, तो ये बन जाती है m l क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, यही आ गई। ठीक है noted? Yes sir. ठीक है। अच्छा, किसी सरफेस के थ्रू मिनिमम फ्लक्स कितनी हो सकती है? जीरो। यस इट विल बी जीरो। कब? जब कोई भी लाइन एरिया को क्रॉस ना करे राइट। और मैक्सिमम कितनी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ई ए सही बात है। ठीक है जी, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्लक्स लिख लेते हैं। मिनिमम फ्लक्स तब होगी जब उसमें से कोई भी लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास ना करे। और ऐसा कब हो सकता है? जब थीटा क्या होगा? 90 degree। जब थीटा 90 होगा। यस, व्हेन थीटा बिटवीन किस किस के बीच में है? ई एंड ए। यस, ई एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 90 degree, देन फ्लक्स क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली फ्लक्स का फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस थीटा होता है ना, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो इट कम्स आउट टू बी जीरो। और 90 डिग्री अगर फोटो बनाए हम तो 90 डिग्री की फोटो कैसी बनेगी? दिस इज द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूं जा रहा है। ठीक है, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हम कैसे बनाते हैं? इट इज परपेंडिकुलर, राइट, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस एंगल इज 90 degree। तो इस केस में मिनिमम फ्लक्स है विच इज जीरो। और मैक्सिमम फ्लक्स होगी जब थीटा दोनों के बीच में क्या हो? जीरो। जीरो या फिर 180 भी चलेगा। ठीक है, जीरो डिग्री और 180 डिग्री। एक्चुअली 180
ले लो चाहे जीरो ले लो, इट जीरो के केस में ई इंटू ए आ जाए, ई ए आ जाएगा, और 180 के केस में क्या आ जाएगा, व्हाट इज कॉस 180 माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, तो कितना आ जाएगा माइनस ई ए, माइनस ई ए आ जाएगा, ठीक है। और आपने तो प्लस लिखा है, इधर तो जीरो लिखा है, 180 वाला लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या हो गया यार, नीचे लिख लेते हैं, और phi is equal to ea cos 180 that is minus ea। तो ये माइनस यहाँ पे एक्चुअली जो फ्लक्स 2D सर्फेसिस के लिए होती है ना, उसमें साइन कुछ सिग्निफाई करता नहीं, साइन का कोई मतलब नहीं है उसमें, क्योंकि लाइंस क्रॉस कर गई, अब वो लेफ्ट को जा रही है, राइट को जा रही है, वो अपने को यहाँ पे मतलब नहीं है। लेकिन क्लोज्ड बॉडीज में ना ये माइनस प्लस का बहुत चक्कर रहता है, उसका क्या कन्वेंशन है वो भी मैं इसके बाद लिखवाता हूँ, ठीक है। लेकिन 2D सर्फेसिस के लिए डजंट मैटर एक्चुअली, राइट। तो एरिया वेक्टर, यहाँ पे फोटो बना लेते हैं हम साथ में, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो चाहे ऊपर की तरफ बना लो चाहे नीचे की तरफ बना लो, या इस तरफ बना लेते हैं एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड बॉडीज के लिए भी साइन कन्वेंशन लिख, यहां तक लिख लिया? यस सर, यस सर, ठीक है। क्लोज्ड बॉडीज के लिए लिख लेते हैं क्या साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड बॉडीज जो क्लोज्ड बॉडीज हैं उनके लिए आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है और इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली भी वैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो पहले लिख लो स्टेटमेंट, फ्लक्स outward flux is taken as positive and inward flux is taken as negative, ठीक है। जैसे एग्जांपल बनाते हैं, मान लो ये एक स्फीयर है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आउटवर्ड है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसे निकल रहा बाहर की तरफ, राइट। एंड किसी एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी बनाते हैं, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा,
एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड एज आउटवर्ड आउटवर्ड है ना, एरिया वेक्टर आउटवर्ड बनाते हैं हम अपना क्लोज्ड बॉडीज के लिए, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही बनेगा। अब क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? जीरो। जीरो, तो फ्लक्स क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फ्लक्स इज ई ए कॉस जीरो, इट इज प्लस ई ए, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर इनवर्ड होता है, सपोज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर को हम कैसे लेते हैं? आउटवर्ड। आउटवर्ड लेते हैं, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, दोनों में एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, तो फ्लक्स अपने आप ही क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, कोई भी सरफेस हो, चाहे वो ले लो क्यूब ले लो, सपोज क्यूब के लिए भी सेम ही फंडा है, यहां पे अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ले लेते हैं, चलो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करो, तुम लोग क्वेश्चन ही देता हूं तुम लोग। दो क्वेश्चंस करेंगे हम, दिस इज एक्स y and z, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है इस तरफ, इस सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ई आई कैप, ठीक है, सारे रीजन में, और दिस एंड दिस साइड जो गिवन है अ क्यूब, क्वेश्चन लिख लो, अ क्यूब ऑफ साइड ए इज केप्ट इन a region having an electric field is equal to E I cap find the electric flux through number one surface one, surface two, one है ये वाली surface, two है ये वाली, three है ये ऊपर वाली, and through whole cube,
सरफेस वन यार ये लेफ्ट वाली है, शेड कर दूं क्या? शेड कर देता हूँ, चलो सरफेस वन ये वाली है, ठीक है, सरफेस टू जो है वो ये वाली है, और सरफेस थ्री ऊपर वाली है, और कोई कलर का ही नहीं, ये सरफेस थ्री है। नितेश वर्मा वेरी गुड, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मिलन वेरी गुड, कुशल गर्ग वेरी गुड। वैसे तुम लोग तीनों ने ना एरिया की वैल्यू डाली, एरिया की वैल्यू डालो। वेरी गुड, वापस दो मेरे को। नितिश ने दे दिया, उसने लिख दिया वेरी गुड। दीप्ति चौथा आंसर, पहले तीन तो करेक्ट है, वेरी गुड। आर्यन यस करेक्ट, नितिश करेक्ट। आर्यन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, स्मॉल ई मत यूज कर। दीप्ति हाँ करेक्ट है। मिलन हाँ ठीक है करेक्ट। रिया तीन करेक्ट है, चौथा भी बताओ सर। हाँ जी सर, इसमें क्या एंगल बताना है बीच में? एंगल नहीं बताना, फ्लक्स बतानी है। ओके सर, एंगल ढूंढना पड़ेगा फ्लक्स के लिए। हाँ जी हाँ जी, लेकिन फाइनली बताना तुम्हें फ्लक्स है। ठीक है। प्रबल करेक्ट, गुरकर्मन तीनों करेक्ट है, चौथा बता दो। जैस्मीन जैस्मीन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एस। यासिर यासिर पहला गलत है, बाकी ठीक है, और ए छोटा है भाई। रिया चौथा ठीक है, कुशल अग्रवाल ऑल करेक्ट। कॉपी हो जाएगा इधर से। अरे वाह वाओ, ना गौरी मेहता, अरे रे 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 रे, गौरी मेहता पहले दो इनकरेक्ट हैं, बाकी दो ठीक हैं। यासिर पहला ठीक है, मुस्कान ऑल करेक्ट, सरगुन नहीं दूसरा ठीक है, सरगुन यास्तिका पहले तीन करेक्ट, निष्ठा पहले तीन करेक्ट। ओके लेट्स सी, तो हम इधर फोटो दोबारा बना चुके हैं, मतलब कॉपी कर चुके हैं। अब हम एक एक सरफेस पे देखेंगे। सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर वन का जो एरिया वेक्टर है वो किधर को जाएगा? हाँ जी लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाएगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होगा लेफ्ट की तरफ। मैं सरफेस वन की बात कर रहा हूँ, अभी ए वन लिख देते हैं सपोज, इसको ए वन। एंड
जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है? राइट की तरफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट. तो फाइव वन लिखेंगे. फाइव वन विल बी ई डॉट ए वन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लिख देते हैं ई आई कैप डॉट. एरिया वेक्टर कितना होगा ए वन? ए स्क्वायर. इट इज ए स्क्वायर. ए वन इज ए स्क्वायर लेकिन डायरेक्शन इज माइनस आई कैप. इट इज माइनस ए स्क्वायर आई कैप. हाँ के ना. तो फाइव वन कितना आ गया? इट इज माइनस ई ए स्क्वायर. कोई दुख तकलीफ? अरे हाँ के ना, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है. दूसरा पार्ट इसके लिए लिखना है सरफेस टू. सरफेस टू का जो एरिया वेक्टर है वो किधर जाएगा? आई कैप. राइट किधर जाएगा? आई कैप की तरफ. ए टू लिख देते हैं इसको. ए टू इस तरफ जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है? आई कैप. राइट कैप, सॉरी राइट की तरफ ही है. तो फाइव टू जो है इट इज ई डॉट ए टू वेक्टर एंड ई इज ई आई कैप डॉट अपना ए टू जो है इसका क्या होगा? ए स्क्वायर आई कैप प्लस में आएगा. ठीक है, तो इट विल कम टू व्हाट इज आई डॉट आई पता है ना? व्हाट इज आई डॉट आई? वन राइट. तो ये बन जाएगा ई ए स्क्वायर. ठीक है, फाइव टू आ गया. अब बात करते हैं थर्ड सरफेस की. अब थर्ड सरफेस जो है उसका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरह होगा? जे कैप. जे कैप में है, बिल्कुल सही बात है. ये है ए थ्री. ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे थर्ड को. फाइ थ्री इज ई डॉट ए थ्री एंड ई इज ई आई कैप. वैसे भी दिख रहा है अपने को 90 डिग्री एंगल है दोनों में. हाँ के ना? Yes, sir. तो अगर 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स कितना होता है? जीरो होता है, है ना? इसको ए स्क्वायर हम जे कैप लिख सकते हैं. व्हाट इज आई डॉट जे? जीरो. यस, फ्लक्स हम वैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं. क्या थर्ड वाले को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके निकलेगी? नो सर. सारी उसको क्या कर रही हैं? ग्रेज कर रही. क्या कर रही? ग्रेज कर रही. दे आर नॉट क्रॉसिंग इट, दे आर नॉट पासिंग थ्रू दैट एरिया. हाँ के ना? ठीक है, ओके. अब जो चौथा पार्ट है उसमें हमें सारे क्यूब के थ्रू बताना है. कैन यू टेल? इसमें हमने तीन सर्फेसिस को तो देख लिया, बाकी जो तीन सर्फेसिस बची कौन कौन सी? एक जो मेरी तरफ है, मतलब स्क्रीन की तरफ, तुम्हारे मुंह की तरफ होगी. एक जो पीछे की तरफ है और एक जो नीचे है, वो बचेगी. तीन सर्फेसिस. उन तीनों में से क्या कोई इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस करेगी? नो सर. कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उन तीन सर्फेसिस में से क्रॉस नहीं कर रही. तो दैट मींस जो बची हुई तीन सर्फेसिस हैं उनका भी फ्लक्स कितना है? जीरो है. तो दैट वुड मीन टोटल फ्लक्स अगर मुझे फाइंड करना है वो सबको ऐड कर दूंगा तो चार तो जीरो ही है. बाकी दो बचे, एक का माइनस ई स्क्वायर है, माइनस ई स्क्वायर है, और एक का प्लस ई स्क्वायर है. तो टोटल कितना हो गया? जीरो. टोटल इज जीरो. राइट, ठीक है. तो फोर्थ पार्ट हम इसमें लिख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रिमेनिंग थ्री सर्फेसेस इज ऑल्सो जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट क्रॉसिंग those
surfaces. Therefore, phi net kya ho jayega? It will be phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus phi 4 plus phi 5 plus phi 6. This is minus E A square plus E A square and plus 0 plus 0 plus 0 and plus 0. That comes out to be 0. Is it very clear to everyone? Yes. Chamka. Chamak gaya? Yes, sir. Yes, sir. Theek hai ji. Phir aisa hi ek question aur kar do. हाँ हाँ तुमने तो शगन करना ही था, बंद तो होना ही था. ये सिलेंडर है. हाँ जी एक बात पूछू सर. पूछो सर, ये ए स्क्वायर कहाँ से आया? सर मुझे याद था, अभी अभी भूल गई. क्या बताऊं मैं? सर ये फर्स्ट पार्ट वाला ही बता दो, मतलब माइनस ई ए स्क्वायर. ये क्यूब है ना, क्यूब की हर साइड क्या होती है? ए. अच्छा ठीक है. कंचन तुम मजाक कर रही थी ना? नहीं पता नहीं सर मेरे को क्या हो गया. ठीक है कोई नहीं. चलो ये है एक सिलेंडर. चलो एक्सिस नहीं बनाते यार, बिना एक्सिस के कर दो तुम लोग. ऐसे ही कर दो. इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है, भाग रहा है इधर ऐसे. इस तरफ है E is equal to E I cap. सारे रीजन में ऐसे ही फैला हुआ है. ठीक है, इसमें से यू जाएगा राइट. इसकी भी आप लोगों को फ्लक्स फाइंड करनी है थ्रू थ्री सर्फेसेस. कौन कौन सी? ये है वन, ये है टू एंड ये है थ्री. एरिया ए ले लो. चल मैं डायमेंशंस बता देता हूं यार. रेडियस आर ले लो, लेंथ एल ले लो. लो सर, मत देखना अभी, अभी मत देखना, वो गलती से एंटर दब गया. अच्छा ठीक है. कुशल गर्ग करेक्ट. आर्यन मेहता, क्या ये सीक्वेंस में है?
डोंट गड़बड़ाइंग द सीक्वेंस. मिलन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, दीप्ति नौ, दूसरा गलत है तुम्हारा. मुस्कान एंड आर्यन सीक्वेंस करेक्ट करके भेजो. उसके बाद कहां तक बता दिया मैंने, निष्ठा तक बता दिया था. गुरकर्मन, अरे अरे गुरकर्मन 200 कहां से आया. मन किया तुमने इलेक्ट्रिकल 200 ले लिया. श्रेया करेक्ट. सिमरन करेक्ट. रिया पहला गलत है. रिया मुस्कान करेक्ट. नितिश वर्मा करेक्ट. आर्यन करेक्ट. दीप्ति करेक्ट. पिज्जा करेक्ट. एरिया चलो ठीक है. पिज्जा एरिया कितना होगा ये जो ए लिखा है तुमने. ओके चलो लेट्स सी. अरे इसको भी कॉपी करेंगे रे. वाओ चलो इसमें देखते हैं. एरिया वेक्टर सर्कल कहाँ ठीक है. या सिर, अरे पहला गलत है राशि. या सिर गुरकर्मन करेक्ट है. सरगुन, अरे रे 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 पहले दो गलत है, सरगुन तीसरा सही है. ठीक है फिजा. ओके लेट्स सी. पहले सरफेस वन का एरिया वेक्टर किधर को होगा. लेफ्ट 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 को होगा. तो एरिया वेक्टर इधर इस तरफ है A1 और E राइट की तरफ है. तो E और A में एंगल कितना है. 180 डिग्री. 180 phi 1 will be E dot A1 which is E into A1 into cos of 180. That is minus E A1. A1 की वैल्यू डाल देते हैं minus E. A is pi r square. This will be phi 1. ठीक है. And phi 2. Phi 2 बताओ भाई. Area vector बताओ मेरे को 2 का. Circular जो circle है इसका, इसका area vector किधर को होगा. ऊपर जी हर पॉइंट पे इस तरफ होगा ना एरिया A2. यस हर साइड में हर उसमें क्या ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा ई के साथ. यस यस इमेजिन हो पा रहा है हर एक से. कोई है जिससे इमेजिन नहीं हो रहा. अबे इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. ठीक है. तो इट विल बी कॉस 90. कॉस 90 कितना होता है. जीरो. तो फ्लक्स विल बी जीरो है ना. वैसे भी हमें दिख रहा है. क्या इस सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर पाएगी. नो सर. ठीक है ये समझ लो है ना. ग्लास है. ग्लास में से इस सर्कुलर साइड में से कोई भी लाइन जो है वो नहीं निकल पाएगी. और जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया किधर को होगा. right. इस तरफ होगा. ठीक है. तो फाइ और एंगल कितना है दोनों में. जीरो डिग्री. दैट इज ई ए कॉस जीरो. दैट विल बी ई ए थ्री. और ए थ्री की वैल्यू है फाइ आर विल बी प्लस. इट विल बी कोई दिक्कत दुख तकलीफ. और टोटल कितना होगा. वैसे टोटल भी फाइंड कर लेते हैं. जीरो जीरो. यस इट विल बी
phi total will be phi 1 plus phi 2 plus phi 3. It will be 0. Is that clear? Yes, sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ. आज के लिए इतना ही. गुड बाय तारा. नो होमवर्क सर. नहीं, होमवर्क आपका है जो सब्जेक्टिव वाली बुक है ना, एग्जाम आइडिया, उसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक का काम अपना निपट चुका है, तो वहां से उस बुक में से वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज कर लो, पढ़ लो. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं. डोंट रीड द आंसर्स. क्या बोला मैंने? डोंट रीड आपको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर करने की ट्राई करो. खुद लिखोगे, लिख लिख के देखना उसको, खुद लिखोगे तो फायदा होगा. ठीक है, इसलिए सैटरडे संडे है, मंडे क्लास होगी, तो तब तक निपटा लो संडे तक. ये टारगेट बनाओ अपना कि वो खत्म करना है. ठीक है जी, चलो जी, दैट्स इट, गुड बाय. सर एक डाउट था. अरे वर्मा जी बताइए. सर जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो करेगी नहीं वन से थर्ड पॉइंट तक. क्यों सर? क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर तो एंटर कर नहीं सकती. अच्छा, तो फिर वो थर्ड पे इफेक्ट कैसे क्रिएट कर रही है अपना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है वर्मा जी ने. कोई बता सकता है इसको? चलो मैं बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा, इस साइड में किधर क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जाते रहे. इस साइड में क्या होगा? पॉजिटिव. क्यों देख रहे हैं? नहीं, पॉजिटिव होगा. इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा सिलेंडर में? यार फोटो खराब नहीं करेंगे और बनाता हूं. क्या? नेगेटिव चार्ज. इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना, तो सिलेंडर में इस साइड में क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव. और इस साइड में क्या इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव. इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, बीच में नहीं होगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव फिर जा रहा होगा. समझे? यस सर. यस, ऐसे कहानी होती है इसकी. गॉट इट? यस सर. यस सर. ठीक है जी, चलो बाय, भागो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय.